सेलेक्ट एनी प्लेन स्केच। और नेक्स्ट कमांड इज सर्कल। यहाँ पे दो टाइप के सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल एक पैरामीटर सर्कल। फर्स्ट सर्कल में मुझे रेडियस और उसका सेंटर पॉइंट देना होता है, एंड पैरामीटर सर्कल में हमको थ्री पॉइंट्स देने होते हैं। देखते हैं, सर्कल लिया यहाँ पे, एक सेंटर पॉइंट दिया एंड एक रेडियस वैल्यू दे दी। रेडियस वैल्यू यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये सेंटर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज है, इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से एंड ओके। नेक्स्ट सर्कल है पेरीमीटर सर्कल। यहाँ पे हमको तीन पॉइंट्स देने होंगे सर्कल के, एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। सेम वे यहाँ पे भी अगर सर्कल को मुझे कंस्ट्रक्शन में चेंज करना है, देन यहाँ से कंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देंगे तो मुझे सर्कल कंस्ट्रक्शन में साइंस में आ जाएगा। ये हो गया सर्कल। नेक्स्ट सेम वे में आर्क है। आर्क यहाँ पे थ्री टाइप्स के दे रखे हैं, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क, थ्री पॉइंट आर्क। फर्स्ट देखते हैं सेंटर पॉइंट आर्क, मीन्स पहले मुझे एक सेंटर पॉइंट देना है, जैसा इसका नाम है सेंटर पॉइंट दिया, देन एक पॉइंट देना स्टार्ट पॉइंट, देन एक एंड पॉइंट देना। अगर सर्कल मेरा एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज रोटेट कराना है तो उसको आप फुल एक रोटेशन में दे दें, वो मेरी डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये हो गया सेंटर पॉइंट आर्क। सेम वे जो मेरे टाइप्स यहाँ पे आते हैं, वो टाइप्स मेरे यहाँ पे भी आ रहे हैं, टेंजेंट आर्क एंड थ्री पॉइंट आर्क। नेक्स्ट देखते हैं थ्री पॉइंट आर्क, इसमें मुझे थ्री पॉइंट्स देने हैं आपके, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट उसका कर्व डिफाइन करेगा यहाँ पर। एंड लास्ट है टेंजेंट आर्क। इस आर्क को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास पहले से एक एंड पॉइंट होना कंपलसरी है। अगर इसमें मैं एंड क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वार्निंग देता है, प्लीज सेलेक्ट एन एंड पॉइंट ऑफ इस सेगमेंट। तो इस आर्क कंटिन्यू बनाने के लिए पहले कोई ना कोई एक एंड पॉइंट होना चाहिए, इसको उस कर्व को आगे की ओर कंटिन्यू कर देगा। जरूरी नहीं है कि वो आर्क मेरा एंड पॉइंट मेरा कर्व का ही हो, लाइन का भी हो, तो भी वो एंड पॉइंट उसको चाहिए सर। जैसे आप मुझे इसके आगे कंटिन्यू लाइन कर्वेचर लाइन ड्रॉ करनी है तो वहाँ से टेंजेंट आर्क ले लेते हैं, यहाँ से डिफाइन कर देगा। तो अगर आपको रैंडम लाइन क्रिएट कर लाइन बना रहे हैं और कंटिन्यू इसके अगर आपको आर्क चाहिए तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिर्फ आपको बैक आना है उस पॉइंट पे एंड देन ये मेरा टेंजेंट आर्क की प्रॉपर्टी अपने आप ले लेगा। फिर अगर फिर से चाहिए तो फिर उसी पॉइंट पर जाइए बैक, तो ये इसको ले लें। ये हो गया आर्क एंड सर्कल, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल कमांड। इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यहाँ पे फाइव टाइप्स के हैं। फर्स्ट है कॉर्नर रेक्टेंगल, इसमें मुझे बस दो कॉर्नर पॉइंट्स को डिफाइन करना है और रेक्टेंगल मैं ले लेगा, ओके। देन नेक्स्ट है सेंटर रेक्टेंगल, एक सेंटर पॉइंट देना है और एक एंड पॉइंट देना है रेक्टेंगल का। नेक्स्ट है थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। थ्री पॉइंट इसमें मुझे थ्री पॉइंट देने हैं, एक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, लेंथ दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। ये हो गया थ्री पॉइंट रेक्टेंगल एंड थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। फर्स्ट सेंटर पॉइंट देना है, देन सेकेंड पॉइंट देना है, देन थर्ड पॉइंट देना, ड्रॉ हो जाए। एंड लास्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेसिकली होता है, इसमें इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है। रेक्टेंगल में कंडीशन ये होती है कि मेरी ऑल साइड परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे की, पर रेक्टेंगुलर में पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, इसमें मेरी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी हमेशा। देखिए यहाँ पे सिंबल भी लगा हुआ है पैरेलल का, ये पैरेलल किसके है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल। तो ये हो गया रेक्टेंगल कमांड। अब ये तो मेरे यहाँ तक मेरा कवर हो गया, देख लेते हैं कि मुझे उनकी डायमेंशनिंग अगर करना है तो उसको कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं लाइन से, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, वेट किया, फर्स्ट लाइन देख यहाँ पे लेते हैं। ये लाइन में रैंडम डिफाइन कर दी कोई,
अब इसकी मुझे वैल्यू डिफाइन करनी है। एक तो ऑप्शन मैंने बताया था, जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी डायमेंशन डिफाइन कर, मान लेते हैं इसको 100 mm, और एंगल इसका 0 कर देते हैं। ओके, सो लाइन मेरी 100 mm पे डिफाइन हो गई। ऐसे आप कोई अदर ऑब्जेक्ट को भी अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो एक मेथड मेरे पास ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज में जाके उसकी डायमेंशन चेंज कर लें। लाइक जैसे इसकी चेंज करना है, इस पे आ गए यहाँ पर डायमेंशन को चेंज कर ली, इसकी चेंज करना है इसकी चेंज कर ली आके यहाँ से। एंड एक मेथड दे रखा है यहाँ पे है स्मार्ट डायमेंशन। ये डायमेंशन मेरी हर टाइप की डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है, जैसे सर्कल हो गया, आर्क हो गया, जैसे यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे अगर क्लिक करते हैं तो मुझे यहाँ पे बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सी डायमेंशन पिक कर लीजिए, या डायमेंशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा कि इसे कौन सी डायमेंशन चाहिए। इसमें आपने इसको लिया, क्लिक किया तो इसलिए इसकी लेंथ ली, अब यहाँ पे ओके कर दिया, देन यहाँ पे इसको क्लिक किया, इसने इसकी लेंथ ले ली। यहाँ पे क्लिक सर्कल है, मैंने बताया तुम्हें ये लाइन सर्कल है, तुम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डाय ले लेगा। क्लोज सर्कल हमेशा कर्व की डाय लेता है, एंड ओपन कर्व की हमेशा रेडियस सेलेक्ट करेगा। ओके, अब इनको डिफर करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे इसको 200 करना था। सिंगल डबल क्लिक करना है, इसको राइट कर देना है, जितनी डायमेंशन चाहिए आपको वो यहाँ से, इसको भी 200 करना है, देन 200। ओके, इसको मुझे 300 करना है, 300, इसको 150 करना है, तो 150। ओके, अब बात आती है किसी लाइंस के बीच में एंगल डिफाइन करना है, तो ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, डिफाइन करना है इसके बीच का एंगल। सेम वे मुझे दो लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट लाइन एंड सेलेक्ट लाइन सेकेंड लाइन, और इसके बीच का एंगल डिफाइन कर लेना है, 60 करना है, यहाँ पे 60 फिट किया, एंगल डिफाइन हो जाएगा। ओके, अब मुझे दो लाइंस को अगर पैरेलल करना है, इक्वल करना है, तो यहाँ पे अगर रिलेशन तो होगी डायमेंशंस की बात, अगर रिलेशन लगानी है जिससे मुझे इस डाय लाइन को इस लाइन के इक्वल करना है, तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल होल्ड करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो रिलेशन हो सकते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे दोनों, वर्टिकल करना है, लेकिन यहाँ पहले देखते इक्वल इक्वल लगाया, मेरी लाइन इक्वल हो गई। अब इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का भी ऑप्शन आ रहा है, परपेंडिकुलर। अब अगर कोलिनियर करना है तो कोलिनियर, अब यहाँ पे देखते हैं इसलिए इसको एरर बता दिया कि इस पर परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो कभी कोलिनियर एक साथ में नहीं बढ़ सकते, तो रेस कर दीजिए, ओके कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सर्कल, जैसे दो सर्कल्स हैं कोई, इनको अगर कोसेंट्रिक कराना है तो वहाँ पर ऑप्शन दोनों से सर्कल ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, देन कोसेंट्रिक का ऑप्शन आ रहा है, कोसेंट्रिक करना है कोसेंट्रिक करा लीजिए, टेंजेंट लगाना है टेंजेंट लगा सकते हैं, इक्वल करना है इक्वल, कोरेडियल कोरेडियल, जो भी आपको जैसा चाहिए रिक्वायरमेंट है फिर कर दीजिए, कोसेंट्रिक हो जाएगा। टेंजेंट कराना था टेंजेंट करा लीजिए, कोरेडियल कराना है कोरेडियल हो जाएंगे। ये रिलेशंस हो गए, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, मेरा है स्लॉट। नॉर्मल विंडो कर लेते हैं, नॉर्मल विंडो करने के लिए आपको स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है, ये मेरा ऑप्शन दे रखा है नॉर्मल विंडो का, फिट करने के लिए एफ इंटर, और जूम टू फिट ये दे रखा है, यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है स्लॉट। स्लॉट यहाँ पर फोर टाइप्स के हैं, स्टेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट, थ्री पॉइंट आर स्लॉट, सेंटर पॉइंट आर स्लॉट, अगर देखते हैं स्टेट स्लॉट, इसमें मुझे दो एंड पॉइंट देने हैं ऑब्जेक्ट के, एंड एक रेडियस डाया देना है, कर्व देना है जिसका मुझे स्लॉट क्रिएट करना है। इसकी डायमेंशन करने के लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन कर देते हैं, ये 1000 कर लेते हैं।
हैं इसको 250 के अप्रॉक्स वैल्यू कर देते हैं। ओके, ये सारी वैल्यूज़ मेरी एमएम में वर्क कर रही है क्योंकि मेरा यहाँ पे सिस्टम एमएम जीएस सेट है, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, नेक्स्ट स्लॉट है सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट, मीन्स यहाँ पे मैंने दोनों एंड वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ दी थी, लेकिन अब इसमें मुझे एक मिड पॉइंट देना है, देन एक एंड पॉइंट देना है और मुझे वैल्यू स्लॉट का रेडियस डिफाइन करना है। सेम वे में है नेक्स्ट है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, मीन्स थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। इसकी डायमेंशन डिफाइन करने के लिए इसकी रेडियस डिफाइन कर देनी है, इसका कर देना है, यहाँ से भी टाइटली चेंज कर सकते हैं जितना देना है आपको, एंड यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं जितना भी चाहिए। ओके, सेम है यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, पहले आर्क बनाना है सेंटर पॉइंट आर्क, देन स्लॉट की वैल्यू दे दें। तो ये था मेरा आर्क यहाँ पे। नेक्स्ट कमांड देखते हैं स्लॉट, नेक्स्ट कमांड है पॉलीगन, पॉलीगन पॉलीगन दो टाइप्स के होते हैं, इनस्क्राइब सर्कमस्क्राइब, और ये मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स का ऑप्शन है। ट्राई करते हैं पॉलीगन के लिए, एक सेंटर पॉइंट दिया देन एक पॉलीगन डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। अब सर ये जो मेरा आया यहाँ पे इनस्क्राइब है कि मेरा पॉलीगन के अंदर सर्कल एक ड्रॉ है, सर्कम स्क्राइब में सर्कल मेरा आउटसाइड हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये होता है मेजरमेंट्स में, जो मेरा इनस्क्राइब होता है एंड सर्कम स्क्राइब बोथ, ठीक है। इसमें जो मुझे रेडियस डिफाइन करनी होती है वो मेरी इनस्क्राइब में ऑब्जेक्ट जो मेरी एज है इसके मिड पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, एंड सर्कम स्क्राइब में नॉर्थ से सेंटर की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, इनस्क्राइब में मुझे एजेस के मिड पॉइंट से इसकी रेडियस डिफाइन करनी है और सर्कम स्क्राइब में मुझे इस वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस डिफाइन करनी है। नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मैक्सिमम 39 तक साइड्स जाएंगी इसकी, 39 और 40 तक, मैक्सिमम 49 साइड्स तक ही चले। ओके, इसमें लिमिट दे रखी है, ये मेरा हेक्सागन क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट है एलिप्स, इसमें मुझे एलिप्स यहाँ पे दे रखा है, सेंटर पॉइंट दिया मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, एलिप्स क्रिएट हो गई। ओके, इसकी डायमेंशन देने के लिए मुझे एक्सिस की वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ये हो गई यहाँ से इस पॉइंट टू पॉइंट, ये मेरा मेजर एक्सिस हो गया और ये मेरा माइनर एक्सिस की वैल्यू डिफाइन कर। ओके, सेंटर पॉइंट से सेम वे नेक्स्ट है पार्शियल एलिप्स, अगर एलिप्टिकल आर्क टाइप का शेप चाहिए तो पहले एक एलिप्स डिफाइन कर लेते हैं एंड फिर जहाँ पे एंड पॉइंट देंगे वहाँ से जितना भी एलिप्स चाहिए उस पॉइंट से जितना चाहिए उतना वो आर्क एलिप्स बन जाएगा। जैसे जैसे देखते हैं पार्शियल एलिप्स लिया, ठीक, एलिप्स डिफाइन कर लिए, जितना भी इलेक्ट्रिकल आर्क चाहिए उतना आप डिफाइन कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल आर्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये जो आर्क होता है मेरा ये सर्कुलर आर्क होता है एंड ये इलेक्ट्रिकल आर्क होता है। ओके, नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे स्पैन, अगर यहाँ पे स्पैन क्रिएट करना है देन यहाँ पे स्पैन लेते हैं, स्पैन कमांड लिया और यहाँ पे डिफाइन करते चले गए एंड एंटर, या डबल क्लिक मेरी स्पैन क्रिएट हो गया। इसको अगर चेंज करना है कर्व्स को तो इन वैल्यूज से आप इन नॉर्थ वगैरह से इसकी चेंज कर सकते हैं,
ऐसा कर्व देना है जैसा यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह मेजर करनी है, तो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें कोई फिक्स डायमेंशंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट स्प्लाइन टाइप है फिट स्प्लाइन, स्टाइल स्प्लाइन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो मेरे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं इसमें मेरे कंट्रोल पॉइंट्स कर्व्स के ऊपर लाई करते हैं, और इसमें मेरे कंट्रोल पॉइंट्स कर्व्स के आउटसाइड लाई करते हैं। इसमें हल्के से एक वेरिएशन पे काफ़ी डिफ्लेक्शन आ जाता है कर्व में, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन मेरा बहुत कम होता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें डिफ्लेक्शन मेरा बहुत आ जाता है, इसमें डिफ्लेक्शन काफ़ी कम रहता है। बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसमें थोड़ी स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और ये मेरा स्मूथनेस थोड़ी सी कम होती है। ओके करते हैं। ये हो गए मेरे स्केच टूल्स सारे। ओके okay।